यह है मोटोरोला का 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है मोटोरोला G34। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है और ये मुझे आज डिलीवर हुआ है। मैंने ये जब आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपके सामने पे पूरा इसको अनबॉक्स करता है ताकि पूरा ये वेरीफाई हो जाए कि इसके जो पार्ट्स हैं और ये फोन है वो मतलब सामने पे खोलते हैं ताकि कोई भी इशू वगैरह ना हो। कई बार फ्रॉड वगैरह होते हैं तो इस वजह से ये पहले ही खुल चुका है क्योंकि डिलीवरी बॉय ने इसे पहले ही खोल दिया है, मेरे सामने खोला है। एक बार मैं आपके ये फोन दिखा दूं, आपके सामने एक बार ऐसे अनबॉक्स कर रहा हूं, हालांकि ये पहले से अनबॉक्स है। तो ये है मोटोरोला G34 5G स्मार्टफोन। ये अंडर बजट है दोस्तों, ₹12,000। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे क्यों परचेज किया मैंने इसे, और आखिर मेरे ज्यादातर रिव्यूज मोटोरोला की तरफ ही क्यों रहते हैं। तो आप इसका कैमरा देख सकते हैं, पीछे 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा यहाँ पर दिया गया है। ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और बहुत ही स्लीक इसका डिजाइन है, स्लिम डिजाइन है। पीछे प्लास्टिक बॉडी के साथ ये आता है। राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और उसके नीचे ये पावर बटन है जहां पर आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक और लॉक का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप यहाँ पर, हालांकि मैंने ये सेटअप कर दिया है इसका, ये आप देख सकते हैं बहुत जल्दी जो है इसमें अनलॉक ये अनलॉक हो जाता है आप जब अब इसमें फिंगरप्रिंट लगाएंगे। दोस्तों इसे मैंने इसलिए परचेस किया मोटोरोला का क्योंकि आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये फोन है आज की डेट में मोटोरोला के। ये 5G स्मार्टफोन है जो कि 13 बैंड के साथ आता है। इसकी डिस्प्ले 120Hz की, इसकी जो डिस्प्ले है वो है 120Hz। कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल है, और इसकी अगर मैं रैम की बात करूं तो 8GB रैम और 128GB इसकी स्टोरेज है, और नो ब्लोटवेयर नो एड्स। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल इसका यूजर इंटरफेस है, जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही सिंपल है, कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको इस फोन के अंदर नजर नहीं आएंगे। और जैसे रेडमी MI पोको वीवो इनमें जो एड्स नजर आते हैं, जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स नजर आते हैं, वो आपको इस फोन में नहीं दिखाई देगा मोटोरोला के। और 12,000 में ऐसा फोन मिलना बहुत ही खूबसूरत बात है क्योंकि इस फोन में जो प्रोसेसर दिया गया है वो है स्नैपड्रैगन 695। जी मोटोरोला ने 12,000 के इस फोन में ये प्रोसेसर डाला है, और ये डॉल्बी एटमॉस के साथ ये फोन मिलता है। डॉल्बी एटमॉस जैसे आप ये आवाज सुन सकते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ही वर्चुअल साउंड जो है, आपको 3D वर्चुअल साउंड एक सुनाई देगी। ऊपर से भी एक स्पीकर है और नीचे से भी एक स्पीकर है, और एक छोटा सा माइक ऊपर भी दिया गया है वायल फॉर रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। इसके स्पीकर काफी लाउड है दोस्तों, और आप इसमें माइक्रो चिप भी इंसर्ट कर सकते हैं जो SD कार्ड होता है। अब मैं आपको एक बार इसके डिस्प्ले दिखा देता हूं। डिस्प्ले फीचर में आप यहां पर देख सकते हैं ये जो रिफ्रेश रेट है ये 120Hz तक का ये रिफ्रेश रेट देता है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कितना स्मूथ अब इसकी डिस्प्ले हो गई है। तो स्मूथनेस आप ये देख सकते हैं, आप इसमें PUBG फ्री फायर जैसे गेम आराम से खेल सकते हैं। और सॉफ्टवेयर देख सकते हैं कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको इसमें नजर नहीं आएगा, यानी जिसे ब्लोटवेयर कहते हैं, जैसे आप MI के फोन में देख सकते हैं वो इसमें नहीं है। फालतू की चीजें, फालतू ऐप इसमें नहीं मिलेंगे। और ये इसमें एक जेस्चर फीचर होता है, ऐसे आप हिलाओगे तो ये कैमरा ऑन कर देगा, आप ऐसे कैमरा फ्लिप भी कर सकते हैं, आप इसको शेक करोगे तो ये जो है फ्लैश लाइट भी ऑन कर देता है और ऑफ कर देता है। तो ये इसका जेस्चर फीचर है। स्मूथ इसकी डिस्प्ले है, सिंपल। यह है मोटोरोला G34।
एंड्रॉयड वर्जन 14 के साथ ये देखने के लिए मिलता है। अगर आपकी आपके कोई भाई बहन है, माता पिता है, कोई ऐसा फोन आप देख रहे हैं जो लंबे समय तक आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसे जरूर खरीदिए। आप यहाँ पर रैम बूस्ट की तरफ देख सकते हैं ये सेटिंग। अभी आप देख सकते हैं इसमें रैम 12 GB दिखा रहा है, क्योंकि इसकी जो रैम है एक्चुअल रैम वो है 8 GB और बूस्ट मैंने कर रखी है 4 GB तक, तो टोटल हो गया 8 और 4 12। लेकिन मैक्सिमम 8 GB और इंक्रीज कर सकते हैं, यानी इसको हम 16 GB तक बना सकते हैं, 16 GB रैम तक खींच सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है दोस्तों, और ये 128 GB की स्टोरेज के साथ आता है, ये आप देख सकते हैं राइट में। मैं यही कहूंगा आप इसे जरूर खरीदिएगा अगर आपको कोई तगड़ा फोन चाहिए। और कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी कैमरे की क्वालिटी है। आज की डेट में मोटोरोला में जो कैमरा है वो बहुत ही जबरदस्त है। ये स्पॉट कलर एक फीचर है इसमें, जैसे मैं ब्लू कलर को अगर स्पॉट करूं तो सिर्फ ये ब्लू कलर को ही कैप्चर करेगा, बाकी जो अदर कलर्स हैं उनको ये छिपा देगा, हटा देगा, काला कर देगा। या जैसे मैं येलो को करूंगा तो आप यहाँ पे ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये फीचर। दोस्तों कैमरे की क्वालिटी में कोई शक नहीं है, आप जरूर आपको अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए तो आप मोटोरोला की तरफ जा सकते हैं। मैं इस मोटोरोला को इसीलिए प्रेफर करता हूं दोस्तों, क्योंकि मोटोरोला के पास साउंड क्वालिटी, बैटरी क्वालिटी, बैटरी तो भाई साहब इस फोन की 5000 mAh है, 20 वाट के चार्जर के साथ ये आता है, और बैटरी जो मोटोरोला की है वो किसी के पास नहीं है। बैटरी बैकअप 7 से 8 घंटा ये देता ही देता है मोटोरोला। डिस्प्ले क्वालिटी इतनी बढ़िया, साउंड क्वालिटी डॉल्बी एटमॉस, कैमरा इतना बढ़िया, नो ब्लोटवेयर, नो हैंगिंग प्रॉब्लम, हैंग नहीं होता, और क्या चाहिए दोस्तों एक फोन के अंदर। अगर आप स्टडी पर्पस के लिए ले रहे हैं तो बेशक इसे लीजिए, गेमिंग पर्पस के लिए बेशक इसे लीजिए दोस्तों, और 12,000 या 15,000 के अंदर कोई खूबसूरत फोन ढूंढ रहे हैं तो इसे जरूर खरीदिए। दोस्तों वीडियो कैसे लग रही है लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसी लेके आता रहूं। 200 ग्राम का ये फोन है, और अगर मैं इसके बॉक्स के अंदर दिखाऊं कुछ चीजें, तो इसके अंदर आपको कुछ गाइड्स, एक मैनुअल और एक गाइड नजर आएगा, एक पिन, एक चार्जर, आप यहाँ पे 20 वाट का चार्जर देख सकते हैं, और एक टाइप सी केबल इसके अंदर मिलता है। ये जो चार्जर है ये 20 वाट का है, और फोन की जो बैटरी है वो है 5000 mAh की, और ये केबल है टाइप सी केबल, और एक सिम इजेक्टिंग टूल यानी एक पिन यहां पर ये मिलती है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहां पर ये कुछ इस तरह, इस तरीके से बाहर निकलता है इसका सिम जो जैक है। तो यहां पर एक चिप भी आप लगा सकते हैं, और एक सिम भी, साथ में एक सिम और एक चिप आप यहां पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास एसडी कार्ड नहीं है तो आप 2 सिम यहां पर लगा सकते हैं, यानी ये हाइब्रिड स्लॉट है। तो दोस्तों इसका जो पीछे का जो बैक आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, और नीचे से भी आप देख सकते हैं एक जो ऑडियो, नीचे से आप देख सकते हैं एक जो जैक होता है जहां पर हम हेडफोन लगाते हैं, हेडफोन जैक भी इन्होंने दिया है। और साथ में यहाँ पे मोटोरोला के कुछ फीचर्स, ऐप, आपको बहुत सारे ऐप नजर आएंगे, रेडी फॉर मोटो कनेक्ट, ऐसे ये बहुत सारे खूबसूरत ऐप है मोटो की तरफ से जहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। कभी कास्टिंग, मिरर कास्टिंग वगैरह आपको करनी हो लैपटॉप या टीवी से तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं सेटिंग में कई सारे जो है सेटिंग्स नजर आएंगी, क्रिस्टल एआई वॉइस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका बेस्ट बाय लिंक देखना चाहते हैं तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं।
और इसमें बैटरी के आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको एक अडेप्टिक बैटरी और ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स नजर आएंगी आपको, जैसे ऑप्टिमाइज चार्जिंग फीचर ताकि बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो सके, ऐसे कई सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये ऑप्टिमाइज चार्जिंग जो फीचर होता है ये हमारे फोन का चार्जिंग पैटर्न को समझता है। और एक दूसरा फीचर है इसमें ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, तो आप इसे इनेबल जरूर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत सारे जेस्चर्स हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा आप इसे अवश्य खरीदें। दोस्तों कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस फोन का लिंक है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। और जल्द ही मैं इसका कवर और टेम्पर्ड ग्लास का एक वीडियो लेके आऊंगा, कौन सा कवर इसके लिए और कौन सा टेम्पर्ड ग्लास के लिए बेहतर रहेगा, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ग्रो कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए और मेरे टेलीग्राम लिंक में जुड़ना ना भूलिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आपको फ्री में मूवीज वेब सीरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी मूवी, कोई भी वीडियो, कोई भी ऐप जो मॉड ऐप्स होते हैं, यहाँ तक कि फ्री में वेब सीरीज भी आपको मिल जाएंगी मेरी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है माई टेक्नो गाइड। तो मिलते हैं दोस्तों अब हम अगली वीडियो में।